मैं लो मेरे पापा की परी हूँ। अगर आप भी इतनी चमकदार, इतनी सिल्की और लॉन्ग हेयर चाहती हो ना, तो आप इस हेयर मास्क को आज ज़रूर बनाना वीडियो देखते ही, और फिर देखना आपको अपने बालों में इतना चेंज नज़र आएगा ना। ये जो हेयर मास्क है ना, ये इतना इफ़ेक्टिव है कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतना इफ़ेक्टिव है, एक ही यूज़ में आपको पता चल जाएगा। और प्लीज़ मुझे ना कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये मास्क कैसा लगा। तो ये हेयर मास्क जल्दी से खड़ी हो जाओ और फटाफट बनाओ और कमेंट करो मुझे। क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, डर के तुम और हंसी लगते हो जी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं फिर एक बार आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल ब्यूटी विद ब्लेसिंग्स में। जी हाँ, जिसमें ब्यूटी भी है और ब्लेसिंग्स भी है। तो फ्रेंड्स, तो मैं सांगी परी ब्यूटी विद ब्लेसिंग्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो पापा की परियों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है, एंड तक देखें, देखे उसके सारे इंग्रेडिएंट्स देखें कि मैंने क्या क्या डाला है, ठीक है, और वो कितने हमारे लिए यूजफुल है। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे है गाइज जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं हमारे बालों के लिए, क्योंकि मैं आज एक ऐसा हेयर मास्क लेकर आई हूँ जो आपके बालों को इतना सिल्की, इतना स्मूथ, और जो भी आपके बालों में परेशानी होती है, जो भी आपके स्कैल्प में परेशानी होती है, डैंड्रफ होती है, बाल नहीं बढ़ते हैं, गंजापन आ जाता है, जो रीग्रोथ होती है, ठीक है, इसमें मैंने ऐसे ऑयल डाले हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें डाली है। आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो जो मैंने इस वीडियो में जो जो इस हेयर मास्क में मैंने डाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहाँ ले लेना है मिक्सी का जार, और जो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है राइस। और राइस में आपको पता है अमीनो एसिड होता है जो हमारे बालों को मजबूत रखता है, घना बनाता है और नए बाल भी उगाता है। और फ्रेंड्स, ये है एलोवेरा जेल, मैंने फ्रेश लिया है। तो इसे अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें इसे ग्राइंड कर लेना है, दोनों को अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। एलोवेरा भी हमारे बालों में सेम ही काम करता है, ये हमारे बालों को मजबूत बनाता है, शाइनी बनाता है, घना बनाता है और हमारे नए बाल भी उगाता है और बालों की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर हो गया है ग्राइंड, देखिए बहुत अच्छा सा पेस्ट बन गया है एक। और अब हमें इसे ले लेना है एक बाउल में, और अब हमें इसमें डालना है हनी 2 चम्मच भर के। फ्रेंड्स, हनी भी हमारे बालों के टेक्सचर को बहुत स्मूथ करता है, अच्छा करता है, बालों को शाइनी बनाता है, बहुत अच्छी सी एक चमक देता है बालों में, और हमारे बालों को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चर रखता है बालों में। मतलब जो ड्राई हेयर होते हैं ना, जो फिजीनेस होती है बालों में, वो भी इससे ठीक होती है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने लेना है कैस्टर ऑयल, और कैस्टर ऑयल भी बहुत बेनिफिशियल है, 2 चम्मच भर के कैस्टर ऑयल। फिर हमने ले लेना है अंडा, पूरा अंडा डाल देना है। अब हमने फ्रेंड्स क्या करना है, इसमें डालना है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कोकोनट का 2 चम्मच भर के। अगर आपके पास नॉर्मल वाला कोकोनट है तो आप वो भी डाल। फ्रेंड्स, आपको इस मास्क को मिनिमम 2 घंटे रखना है, 3 घंटे भी रख सकते हो, लेकिन 2 घंटे रखना है। और वीक में आपको इसको 2 बार लगाना है मिनिमम, 3 बार भी लगा सकते हो। आपको फर्स्ट यूज़ में देखना कितना
और सर आपको अपने बालों में दिखेगा, इतनी शाइन आएगी आपके बालों में। और अगर आपको आप इसको अच्छे से यूज़ करते हैं तो आपके बाल मजबूत, घने, लंबे और चमकदार हो जाएंगे 15 दिन में। और प्लीज़ मुझे ऐसे ही प्यार दीजिए, मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरा भी चैनल आगे ग्रो हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप ही कर सकते हो और तो कोई नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अपना खूब खूब ध्यान रखिएगा मेरी यूट्यूब फैमिली, बाय, लव यू।